हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो भी प्रकार की हानियां होती है उसे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर का बेसिक सर्किट पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एक कोर होता है जो कि सिलिकॉन स्टील या आयरन का बना होता है, बोल सकते हैं। देन उसमें क्या होती है, वाइंडिंग्स होती हैं। दोनों ही वाइंडिंग, टू वाइंडिंग है, वन इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए, जब भी इसमें सप्लाई मूव करेगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, तो इस वायर का, ये कॉइल है, वायर ही है कॉपर का, इसका क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। वो क्या करेगा, इस करंट को अपोज करेगा। तो यहाँ पर एक लगेगा रेजिस्टेंस। देन उसके बाद हम अगर इस सर्किट पे आए, कोर पे आए, तो कोर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या करेगा, इसमें फ्लो होने वाले फ्लक्स को अपोज करेगा। तो फ्लक्स का अपोजिशन के लिए आपको वहां पर क्या लेना पड़ेगा, इसका लॉस भी लेना पड़ेगा। तो इसको हम कोर के पैरामीटर्स या कोर का लॉस जो है वो देखेंगे। तो आर लॉस एंड कोर लॉस, रेजिस्टिव लॉस एंड कोर लॉस। तो इसी के आधार पर जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं उसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहला, अगर मैं इसको दो भाग में बांट दूं, तो सबसे पहला जो लॉस होता है वो होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। सी, आयरन एंड कॉपर लॉस ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो कॉइल बनी थी, ये वाली कॉइल, ये किसकी बनी है, कॉपर की। इसमें जो भी लॉस होगा वो क्या होगा, कॉपर लॉस। और जो कोर बना है हमारा वो किसका बना है, आयरन का। और आयरन में जो भी लॉस, मतलब कोर में जो भी लॉस होगा, तो इसलिए इसका और एक नाम क्या है, कोर लॉस। और इसका क्या नाम है, वाइंडिंग लॉस। कोर लॉस भी बोलते हैं इसको, वाइंडिंग लॉस भी बोलते हैं, कॉपर लॉस भी बोलते हैं। देन सी, अब आयरन लॉस जो है वो, इसका एक और नाम है, मैं भी थोड़ी देर में अपडेट करूंगा। तो इसमें जो आयरन लॉस का जो भी प्रकार है उसको फिर हम दो प्रकार में बांटते हैं। देखिए, जो मैग्नेटिक लॉसेस हैं कोर में, तो मैग्नेटिक लॉसेस ही होंगे, वो यहाँ पर दो टाइप से होते हैं। एक को बोलते हैं पावर लॉस एच और एक को बोलते हैं पावर लॉस ई। दैट इज एच फॉर हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस आपने पढ़ा होगा, ये हिस्टेरेसिस कर्व एक बनता था, याद होगा आपको, बीएच कर्व जहाँ हम पढ़ते थे, ये वाला एक कर्व। यहाँ पर एक हिस्टेरेसिस लूप, ये हिस्टेरेसिस लूप बनता था, जितना चौड़ा ये लूप होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ लॉसेज होंगे। तो इस लूप को क्या किया जाता है, पतला किया जाता है, बस सेम है। ये हिस्टेरेसिस लॉस है और इसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं इसको, एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि और ये हिस्टेरेसिस हानि। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, आयरन लॉस या कोर लॉस बनाते हैं। अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, इसके लिए थोड़ा समझना है कि कोई भी एक मटेरियल है वो बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। अब सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ लेता हूँ, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल, देन अगेन नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसे अल्टरनेट अरेंजमेंट्स होंगे। अब जब हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो कि अल्टरनेटिंग सप्लाई चलती है, तो एक हाफ में जब ये सप्लाई चली तो ये नॉर्थ एंड साउथ ऐसे अलाइन हुए, बट जैसे ही ये सेकंड हाफ में चला, दैट इज द अपोजिट फेज, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे, इधर साउथ इधर नॉर्थ, इधर साउथ इधर नॉर्थ। मतलब ये अगर सपोज मैग्नेटाइज बोल रहे हैं तो ये रिवर्स मैग्नेटाइज होगा। तो ऐसे ही कितने साइकल्स होंगे, 50 साइकल्स, क्योंकि हमारा एक सेकंड में कितना बार चलता है, 50 बार। तो आप सोचिए 50 टाइम्स मैग्नेटाइज एंड 50 टाइम्स रिवर्स मैग्नेटाइज। तो इसके कारण जो लॉसेस होंगे उसे ही हिस्टेरेसिस लॉस कहा जाएगा, ये जो कर्व बनता है। सीधी सी ये एक चीज आपको याद रखना है। और एडी करंट क्या होता है, जब भी कोई एसी सप्लाई किसी कंडक्टर पे चलती है, तो जब हम डीसी भेजते हैं तो ये पूरे बॉडी में चलता है, बट जब एसी की बात करें तो ये यहाँ से जा करके यहाँ इस फॉर्म में चलने लगता है। तो ये एडीज है, एडीज का मतलब होती है भंवर धाराएं। नदी में जैसे भंवर में धाराएं बनती, वैसे ही धारा के रूप में चलता है, उसके कारण लॉस होता है। अगर सीधे चला जाएगा तो लॉस कम होगा, तो इसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। देन हम आते हैं कॉपर लॉस पे, तो इसको आई स्क्वायर आर लॉस कहा जाता है। देखिए, कॉपर रेजिस्टिव वायर जो बनाएंगे, कॉइल बनाएंगे, उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, फिर
करंट के आई स्क्वायर आर के साथ में क्या करेगा, लॉस करेगा, और इसे ही आई स्क्वायर आर लॉस बोलते हैं। अब जैसे जैसे आई की वैल्यू कम ज्यादा होगी, देखो रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट है, आई की वैल्यू कम ज्यादा होने से ये क्या करेगा, वेरी करेगा, इसीलिए इसका एक और नाम है वेरिएबल लॉस। बट अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस में यहाँ कहीं पर भी ये क्या नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है। अगर इसका फॉर्मूला बोलोगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, ये याद रखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लॉस है, तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलेगी, इसीलिए इसको कॉन्स्टेंट लॉस बोला जाता है। तो लॉस वाले जो ट्रांसफार्मर के लॉसेस हैं उसमें इतना ही, आगे के वीडियो में हम देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।